नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जुड़ चुके हो EBSE से। आज अपन एक्सरसाइज सेकंड बी से आगे की ओर बढ़ेंगे। बुक चल रही है हमारी अवकलन गणित। तो वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन किस प्रकार से निकालते हैं। वक्र उसे n गुणा n माइनस दो बिंदुओं में काटेगा। वक्र अनंत स्पर्शिया को n गुणा n माइनस दो बिंदुओं में काटेगा। तो s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर ज़ीरो, यानी लैम्डा बराबर माइनस एक इसमें रखेंगे तो s1 माइनस s2 बराबर ज़ीरो आ जाएगा। ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ये समझ में आएगा। इलुस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर वन है एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले एस वन निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब और फिर प्लस एक्स वाई, टू एक्स माइनस का वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस वन, यानी इस पूरी इक्वेशन को एस वन के बराबर रख दिया। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे तो एक्स एक्सिस के समांतर होगा एक्स क्यूब का गुणांक देखेंगे, उसको जीरो के बराबर करेंगे। तो एक है वो जीरो के बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है एक्स एक्सिस के। पैरेलल टू वाई एक्सिस देख, वाई एक्सिस देखने के लिए वाई क्यूब के गुणांक को जीरो के बराबर करेंगे। वाई क्यूब का गुणांक माइनस दो है जो कि जीरो के बराबर नहीं है। अब भाई ओब्लिक मेथड से करेंगे, यानी फाई थ्री एम, फाई थ्री एम इक्वल टू क्या है हमारे पास, वन माइनस टू एम क्यूब प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर। फाई टू एम है हमारे पास एम माइनस एम स्क्वायर और फाई थ्री एम इक्वल टू है ज़ीरो। अब फाई थ्री एम का डैश निकाल लेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, माइनस का सिक्स एम स्क्वायर प्लस का टू माइनस का टू एम, इस प्रकार से इसका हो गया। ओब्लिक मेथड पीछे वाले वीडियो में बताई हुआ है, वहाँ से जाके समझ सकते हो। टू एम स्क्वायर प्लस एम, टू एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस का टू एम माइनस का वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या चीज़ है, ये है फाइव थ्री एम की वैल्यू। फाइव थ्री एम है उसे इस प्रकार लिख दिया माइनस कॉमन लेके। अब इसमें m का मान निकालेंगे तो m बराबर एक इस समीकरण में संतुष्ट होता है, इसलिए m बराबर एक इसका मूल हो गया और m बराबर माइनस एक भी है इसका मूल हो गया क्योंकि वो भी इसको संतुष्ट करता है। यानी m बराबर एक रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, और m बराबर माइनस एक रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। तो m बराबर एक को m माइनस एक बराबर जीरो लिख सकते हैं तो m माइनस एक, और m बराबर माइनस एक को m प्लस एक लिख सकते हैं तो m प्लस एक बराबर ज़ीरो। इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो आएगा एम स्क्वायर माइनस एक बराबर ज़ीरो। अब इस एम स्क्वायर माइनस एक का वापस इसमें भाग देंगे, भाग दिया तो एम स्क्वायर को कितने से गुणा करें, m और दो से करना पड़ेगा, दो एम से गुणा करेंगे तो आएगा टू एम क्यूब। तो दो एम, दो एम से गुणा करेंगे इस पूरे को तो आएगा दो एम क्यूब माइनस का दो एम, तो दो एम क्यूब माइनस का दो एम रख दिया। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। फिर नीचे बचा एम स्क्वायर माइनस वन, तो एम स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे है तो एक से गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस वन आएगा, तो प्लस वन एम स्क्वायर माइनस वन आ गया, तो ये कैंसिल हो गए ज़ीरो आ गया। लेकिन भागफल कितना आया, दो एम प्लस एक, तो दो एम प्लस एक को ज़ीरो के बराबर रखा और एम का मान आ गया माइनस एक बट्टा दो। तो एम के तीन मान हो गए, एक माइनस एक और माइनस एक बट्टा दो, तो एम बराबर एक माइनस एक बट्टा दो। जब एम बराबर एक है तो सी का मान कितना आएगा, सी का ये फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू माइनस का फाइव टू एम अपॉन फाइव थ्री डैस एम। फाइव टू एम का मान रखेंगे यहाँ पे, पीछे निकाला था एम माइनस एम स्क्वायर, और फाइव थ्री डैस एम का मान रखा माइनस का सिक्स एम स्क्वायर प्लस टू माइनस का टू एम, और आगे इस फॉर्मूले का माइनस है वो माइनस पड़ा रहेगा। अब m बराबर एक रखेंगे सभी में तो c का मान आएगा ज़ीरो, सोल्व करने पर ज़ीरो आएगा। m बराबर माइनस एक है तब c का मान सेम इसी फॉर्मूले में, अब c बराबर रख दिया माइनस का एक, तो यहाँ माइनस का एक हो गया, यहाँ प्लस का एक और बार माइनस का है, तो माइनस माइनस एक
अपॉन में माइनस का 6 प्लस 2 और प्लस का 2, तो ये चीज़ आ गई। अब इसे सोल्व किया तो आया माइनस 1, तो c का मान आ गया माइनस 1, और m बराबर माइनस 1 बटा 2 है तब c का मान देखेंगे। तो m की जगह माइनस 1 बटा 2 रखा, फिर m स्क्वायर की जगह 1 बटा 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर m स्क्वायर की जगह 1 बटा 2 का स्क्वायर किया, 1 बटा 4 2 माइनस 2, एम का मान माइनस 1 बटा 2। अब इसे वापस सोल्व किया तो 1 बटा 2 आ गया मान। सी के तीन मान आए 0 माइनस 1 माइनस 1 बटा 2, 0 माइनस 1 और 1 बटा 2। अब अनंत स्पर्शी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाली समीकरण से निकालेंगे, उसमें एम वन और सी वन का मान रख देंगे। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो एम वन कितना 1 है और सी वन है 0, तो y बराबर x आ गया। इसे x माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अब m2 और c2 को लेंगे, उसी प्रकार से m3 और c3 को लेंगे, तो दूसरी समीकरण आएगी y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ आएगा 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन तीनों के वापस गुणा करवाएंगे तो हमारे पास s2 आ जाएगा। s2 इक्वल टू x माइनस y गुणा x प्लस y प्लस 1 गुणा 2y प्लस x माइनस 1। अब इन तीनों को वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, s2 इक्वल टू x माइनस y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का वाई प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2y प्लस x माइनस 1। x x कैंसिल हो गया और जो जुड़ रहे उसे जोड़ देंगे, तो s2 इक्वल टू x माइनस y 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y माइनस 1। अब x माइनस y की इस पूरे से गुणा करवाएंगे तो s2 इक्वल टू आएगा x क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई माइनस का x माइनस का y स्क्वायर प्लस का y। अब करेंगे s1 माइनस s2 बराबर 0, यानी s1 और s2 को घटाएंगे तो s1 की वैल्यू को पहले निकाली हुई थी और s2 की वैल्यू अपन ने अभी निकाल ली है, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यह रेखा वक्र को n गुणा n माइनस 2 बिंदुओं पर काटती है, यानी इसमें n का मान होगा 3 और यहाँ पे भी रखेंगे 3, तो यह रेखा वक्र को 3 बिंदुओं पर काटेगी। तो इस प्रकार से इक्वेशन करना है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4y² ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 9y² प्लस 5x² y माइनस 5xy² माइनस 30y³ प्लस एक्स वाई प्लस 7y² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² - b² बराबर a प्लस b, a माइनस b में तोड़ दिया, इसे भी a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दिया, इन सभी को एज इट इज़ वापस लिख दिया। अब गुणनखंड x प्लस 2y के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे, यानी इस गुणनखंड के संगत ज्ञात करेंगे तो भाग किसका देना पड़ेगा सभी में ताकि ये पूरी चीज़ कट जाए, तो x माइनस 2y x प्लस 3y x माइनस 3y, इन तीनों का भाग पूरी समीकरण में देंगे, तो इन तीनों का भाग इस वाले पार्ट में भाग देंगे तो सिर्फ x प्लस 2y बचेगा, x प्लस 2y लिख दिया यहाँ पर, प्लस फिर इसमें भाग देंगे इन तीनों का, तो इसको दो भागों में तोड़ लिया, एक तो 5x² y माइनस 5xy² माइनस 30y³, यहाँ तक इन तीनों में भाग देंगे तो इन तीनों को लिख दिया, प्लस फिर आगे वाला पार्ट है जो उसमें भाग देंगे तो इसके नीचे लिख दिया। अब लिमिट लगाएंगे x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, y बटा x का मान माइनस का 1 बटा 2 आया, y बटा x का मान माइनस का 1 बटा 2 आया, इस गुणनखंड के हिसाब से y बटा x का मान होगा, तो y बटा x का मान माइनस का 1 बटा 2 आया, तो y बटा x का मान है, जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है वो पिछले वाले वीडियोस पूरे देखें तभी आगे ये क्लियर हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2y प्लस लिमिट एज इट इज़ पड़ी है,
ऊपर से वाई कॉमन लिया, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बन गया 5y/x, यहाँ बन गया y/x का होल स्क्वायर और यहाँ बन गया y/x का क्यूब। नीचे 1-2y/x, 1+3y/x, 1-3y/x, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो दोनों कट गए। उसी प्रकार से इसमें देखिए, यहाँ पे भी कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर का कॉमन लिया ऊपर, तो y/x और 1/x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y/x का होल स्क्वायर इंटू 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर, 1-2y/x, 1+3y/x और 1-3y/x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। और इस प्रकार से लिख दिया, हमें फॉर्म बनानी है y/x के इन सभी में, ताकि ये वाला मान 1/2 माइनस का वो रख सके। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 मान रखेंगे, यहाँ पे भी ये माइनस का 1/2, और y/x में सभी में माइनस का 1/2 मान रखेंगे। उसके बाद में सोल्व करेंगे तो इसका बन जाएगा माइनस का 5/2, इसका माइनस का 5/4, इसका बनेगा प्लस का 30/8, इसका बनेगा 2, इसका बन जाएगा माइनस का 1/2, इसका बनेगा 5/2 प्लस। यहाँ देखिए माइनस y/x का मान माइनस का 1/2 रखा, लेकिन नीचे एक्स और है, तो एक्स का मान अनंत करते ही इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे रखेंगे माइनस 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 रखेंगे, और यहाँ पे भी 1/2 रखेंगे, तो 0/ कुछ वैल्यू आती है तो वो पूरी 0 हो जाती है। तो इसका मान है 0 = 0, तो एक्स प्लस 2y = अभी से सॉल्व किया तो इसका मान भी 0 आया, तो बराबर 0, एक्स प्लस 2y = 0, तो ये पहली अनंत स्पर्शिया होगी। अब इसी प्रकार से गुणनखंड एक्स माइनस 2y के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। अब इस गुणनखंड के संगत करेंगे तो इन तीनों का भाग देंगे, इसमें इसमें इसमें, तो तीन जो टुकड़े तोड़े थे अपने उन सभी में भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो एक्स माइनस 2y बचेगा सिर्फ, एक्स माइनस 2y प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और इस बार y/x का मान चेंज होकर 1/2 बनाए, और फिर 5x² y माइनस 5xy² माइनस 30y³ / तीनों का भाग, xy + 7y² माइनस 1 / तीनों का भाग। तो एक्स माइनस 2y प्लस, अब सीधा ही कॉमन ले लिया y/x को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके उसमें 1/2 मान रख दिया y/x की फॉर्म में बना के, तो इसका मान है 5/2 माइनस 5/4 माइनस 30/8 / 2 गुणा 5/2 माइनस 1/2 प्लस 0, इसका मान 0 आ गया, बराबर 0। इसे फिर से सॉल्व किया तो इसका मान आया 1, एक्स माइनस 2y प्लस 1 = 0, ये दूसरा अनंत स्पर्शी हो गई। उसी प्रकार से गुणनखंड x प्लस 3y के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे, तो वो आएगी x + 3y - 1 = 0, और x - 3y के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे तो वो आएगी x - 3y = 0। तो चारों अनंत स्पर्शी की संयुक्त समीकरण को s2 कहते हैं, यानी इन चारों की गुणा करेंगे तो वो हो जाएगी s2। s2 = x + 2y, x - 2y + 1, x - 3y, x + 3y - 1 = 0। तो इन चारों अनंत स्पर्शियों का गुणा किया है तो वो संयुक्त रूप से s2 कहलाइए। तो बारी बारी से गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लिया पहले, उसके बाद इन दोनों को गुणा कर लिया, तो ये लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को जो कट रहे हैं वो से काट देते हैं, और इन दोनों को वापस से, जैसे ये गुणनखंड बन गया, इसका ये बन गया x² + x माइनस 4y² + 2y, और इसका बन गया x² - x माइनस 9y² + 3y। इन दोनों गुणनखंडों को वापस गुणा करेंगे और इसमें से कट रहा है x³ और x³, फिर x की घात 4 आ जाएगी, तो इस प्रकार से ये समीकरण आ गई, और उसमें भी जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे और कट रहा है उसे काट देंगे। लेकिन s2 की फाइनल समीकरण आई है x³ + 36y⁴ माइनस 13x² + 5x² - x² - 5xy² + xy - 30y³ + 6y² और s1 की वैल्यू हमारे पास पड़ी थी,
वो है एक्स की घात 4 माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36y की घात 4 प्लस 5x स्क्वायर वाई माइनस 5xy स्क्वायर माइनस 30y क्यूब प्लस xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। तो ये S1 थी। तो S1 को सॉल्व किया है तो x की घात 4 माइनस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36y की घात 4 प्लस 5x स्क्वायर वाई माइनस 5x वाई स्क्वायर माइनस 30y क्यूब प्लस xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब S1 और S2 को घटा देंगे और बराबर आएगा बराबर 0। तो S1 और S2 को घटा दिया तो हमारे पास समीकरण आई 7y स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें देखिए ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर तो बन गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे इस प्रकार लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये वृत्त की समीकरण होती है अतः इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे एन गुणा एन माइनस 2। तो इसमें एन कितने हैं 4 है, यहाँ पे भी 4 माइनस 2 कर दिया 4 गुणा 2 बराबर 8 यानी प्रतिच्छेदन बिंदु इसमें 8 होंगे। और पिछले वाले क्वेश्चन में प्रतिच्छेदन बिंदु कितने थे, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 थे प्रतिच्छेदन बिंदु। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपना और एग्जांपल्स और अपना करेंगे। धन्यवाद।